अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और यहाँ पे जी सुबह का टाइम था, माशाल्लाह से अलम पाक लहरा रहा था और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। सुबह का टाइम था और यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश भी हुई थी। बारिश तो हो गई थी, फिर बारिश ने जो है वो घुट कर दिया और बहुत ही हबस और घुट हो गया था। और दो तीन दिन तो बिल्कुल हवा जो है उसने बंद कर दी और बहुत ही ज़्यादा शदीद वाली गर्मी हो गई। और यहाँ पे नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, नाश्ते के बाद में थी जी चाय। और बेटा बड़ा जो है वो प्याले में चाय पीता है, वो कहता है मैंने प्याले में पीनी है। और छोटा बेटा कहता है मैंने कप में चाय लेनी है। और उसकी थोड़ी सी कम हो तो कहता है और डाल के दो मुझे चाय। और उसको भी थोड़ा सा चस्का पड़ गया चाय पीने का, और कोशिश करी कि इनकी चाय जो है ख़त्म करूँ। और फिर दोपहर का टाइम हो गया था और मैंने बनाई थी कलेजी। कलेजी भी जो है मैंने टमाटर नहीं डाले थे, दही डाल के बनाई थी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और यहाँ पे जी नमकीन गोश्त बन गया था, नमकीन गोश्त भी बहुत ही मज़े का बना। और यहाँ पे बेटी के लिए कबाब बनाया है। छोटा बेटा है वो शौक से खाता है गोश्त, जो बड़े बच्चे हैं वो इतने शौक से नहीं खाते। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, रात का टाइम था, और यहाँ पे जी कुरकुरे और साथ में थे जूस नेस्ले के एप्पल वाले, और ये भी बच्चों ने खाए और इंजॉय किया। और कुरकुरे जो हैं ये खट्टे मीठे हैं, इतने अच्छे कुरकुरे नहीं हैं। और जो रेड वाले कुरकुरे हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं और थोड़े स्पाइसी भी होते हैं। और ये फिर जो है मैंने सुबह को जी बनानी थी बिरयानी, और मैंने कहा फिर बना के रखेंगे गोश्त वगैरह। और यहाँ पे सुबह अगला दिन शुरू हो गया था, सुबह थी। और यहाँ पे बच्चों की आइसक्रीम आ गई, सुबह के टाइम ये लेते हैं और शाम में जो है वो दूसरी वाली कर्नेटो आती है, जो कोन वाली होती है वो बच्चे खाते हैं। और कभी कभी जो है जूस वगैरह भी आ जाते हैं, और माशाल्लाह से। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी कोफ्ते, कोफ्तों में ये था लहसुन, सूखा धनिया और हल्दी, सुरख मिर्च और ज़ीरा पाउडर, नमक था, और साथ में थी एक ब्रेड का पीस, और एक मैंने डाला था अंडा। और यहाँ पे ये मसाले मैंने डाल दिए थे, और जो है ब्रेड उसको मैंने चूरा करके इसमें डाल दिया था। और ये जो है चमचे के साथ इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे थे, फिर मैंने इसको साथ में हाथों के साथ मैश करके और इसके जो है बॉल बना के रख दिए थे। और इस दफ़ा जो है हमारा ईद पे जो कुर्बानी का गोश्त था वो सही नहीं हुआ, और क्या कहते हैं चर्बी ज़्यादा थी, कसाई ने अच्छा नहीं बनाया, चर्बी ज़्यादा ख़राब किया गोश्त, चर्बी ज़्यादा थी और गोश्त कम था। और फिर मैंने कल जो है सारा निकाल के साफ़ किया, काफ़ी चर्बी वगैरह निकाल के और उसके जो है पैकेट बना के रख लिए थे। कुछ मैंने पुलाव के लिए रख लिया था गोश्त, और कुछ जो है एक बिरयानी का के लिए बनाया, और कबाब बनाए, कोफ्ते बनाए माशाल्लाह से, और नमकीन गोश्त बनाने के लिए रखा। सालन वगैरह तो कोई नहीं इतना खाते शौक़ से, तो फिर मैंने कहा चलो नमकीन गोश्त बना लेंगे, और वो जो है नमकीन गोश्त फिर सब मिल के खा लेते हैं। और यहाँ पे जी हमारे कोफ्ते भी बन रहे थे, और इसकी जो है शेप बना के मैं रख दी थी। जो एक टाइम के लिए बनाने के लिए रखे थे वो मैंने थोड़े से बड़े बनाए, और जो दूसरे दिन के लिए रखे थे वो उसको मैंने थोड़े छोटे कर दिए थे, और माशाल्लाह से काफ़ी बन गए थे कोफ्ते। और यहाँ पे जी हमारे कोफ्ते जी बन के तैयार हो रहे थे, और इनको मैं रख दूँगी फ्रिज में, और फिर किसी दिन जो है बनाऊँगी। और अभी तो मैं बिरयानी का मसाला भी तैयार करके रखा हुआ था, और फिर मैंने कहा उसको दोपहर को जो है चावल बॉईल करके तो मैं बना लूँगी। बिरयानी का मसाला जो था वो मैंने बिल्कुल सादा सिंपल सा बनाया है, उसमें मैंने दही डाली है, टमाटर वगैरह मैंने नहीं डाले, क्योंकि टमाटर वगैरह नज़र आते हैं तो फिर बच्चे जो है गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि टमाटर नज़र आ रहे हैं। तो मैंने फिर दही का बनाया और बिरयानी मसाला डाल के और प्याज डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो मैंने बना लिया। और यहाँ पर जी हमारे रेडी हो गए थे कोफ्ते, और माशाल्लाह से बहुत प्यारे खूबसूरत बन गए थे। उसको रख देंगे अब फ्रिज में। जी भाई का आज था 40वां, और शाम के टाइम था, और भाई को फोत हुए और एक महीना हो गया था, और बहुत ही परेशानी और दुख होता है सोच सोच के क्या हो गया। बस अल्लाह की मर्ज़ी है, इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता, बेबस है इंसान अल्लाह के आगे। और यहाँ पे जी हमारी बिरयानी तैयार हो गई थी,
और बिरयानी जो थी बहुत ही मज़े की बनी थी, और साथ में था रायता, रायते में मैंने डाला। जी हमारा व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।